और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां जोधपुर में मानसूनी बादलों ने डेरा जमा लिया है। लोगों को जोरदार बारिश का इंतजार है ताकि उमस से कुछ राहत मिल सके। दिन भर मौसम साफ रहने के बाद शाम को शुरू हुई हल्की बारिश ने कुछ उम्मीद जरूर जगाई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हुई बारिश फसलों के लिए अमृत साबित हो रही है। बाप क्षेत्र में गुरुवार शाम तूफानी बारिश हुई, जहां एक मकान के आगे लगा छप्पर देखते ही देखते तिनके के समान आसमान मोड़ गया। जोधपुर शहर में अभी तक मानसूनी बादल जमकर नहीं बरसे हैं। दो दिन पहले शहर के एक हिस्से में ही बारिश हुई, जबकि दूसरे हिस्से में मौसम साफ रहा। वहीं गुरुवार सुबह से शहर में तेज धूप निकली रही, शाम को मौसम में बदलाव आया और आसमान में काले घने बादलों ने डेरा जमा लिया। फिलहाल आकाशीय बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ देर शाम तक हल्की बारिश का दौर चला। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। प्री मानसून की पहली बारिश के बाद क्षेत्र में किसानों ने बुवाई कर दी थी और उस फसल के लिए होने वाली हल्की बारिश वरदान बनकर आई। ओसिया के सच्चियाई माता मंदिर की सीढ़ियों से पानी का झरना बह निकला। बाप में तूफानी बरसात के साथ मेघराज सर तालाब पर तेज बवंडर आया, जिससे भैरव मंदिर के सामने बनी धर्मशाला के आगे छाया के लिए मजबूती से लगाया गया लोहे का टीन शेड उखड़ कर उड़ गया। बवंडर इतना शक्तिशाली था कि भारी भरकम लोहे का टीन शेड फाउंडेशन के पत्थरों के साथ तिनके की भांति उड़कर करीब 300 मीटर दूर मेहता मार्केट की छत पर जा गिरा। बरसात होने की वजह से लोग दुकानों में बैठे थे, फिर भी अगर बीच रास्ते में ही अगर ये टीन शेड गिरता तो हादसा हो सकता था। दुकानदार मनोज लोहिया ने बताया कि दुकान के आगे बैठा हुआ मोबाइल पर बात कर रहा था और उसकी नजर आसमान की ओर थी, तभी उड़कर सामने वाली छत पर टीन शेड आकर गिरा। उसे देखकर वो सहम सा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।